अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल पे सिंपल कॉपी पेस्ट का वर्क करके किस तरह से एक घंटे के $5 से $10 तक अर्न कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ फाइवर का एक शॉर्ट स्किल शेयर करने वाला हूं। अगर आप ये शॉर्ट स्किल सीख लेते हैं तो आप फाइवर से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो काम कुछ इस तरह से होगा, क्लाइंट आपको 50 पिक्चर सेंड कर सकता है, 10 पिक्चर सेंड कर सकता है। क्लाइंट आपको कहेगा कि अभी आप इन पिक्चर को क्रॉप और रिसाइज करके दें। तो जिस तरह के फाइवर से प्रोजेक्ट मिलते हैं, मैं आपको उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड पिक्चर को क्रॉप और रिसाइज करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर आपकी एजुकेशन कम है या आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप ये छोटा सा स्किल सीख कर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये मेरे पास एक भाई आए हुए हैं, ये इतना दूर से मेरे पास आए हैं मुझे जस्ट मिलने के लिए। तो इनका भी एक देसी विलेज टाइप का चैनल है, तो इस चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप उस लिंक पे प्रेस करके पहले इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम इस भाई से छोटा सा इंटरव्यू भी लेते हैं, इसके बाद हम अपनी वीडियो को फिर शुरू करते हैं। हाँ भाई, आपके चैनल पे किस तरह की वीडियोस होती हैं? विलेज टाइप की वीडियो होती हैं, बड़ी जबरदस्त और आला होती हैं। एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत करूंगा। खिदमत कैसा की करोगे? आपको काफी मजा आएगा, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कच्चे मकान होते हैं, वहाँ पर गद्दा रेडी वगैरह की सवारियाँ करते हैं, वो हर चीज आपको देसी मौज दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, सही सही समझ आ गई है। चलो यार, चैनल मासूम सा भाई लग रहा है, जल्दी से प्लीज मेरे कहने पे यार सब्सक्राइब कर दो एक बार। दोस्तों, आज मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सारा तरीका बताऊंगा आप अपने मोबाइल पे सिंपल कॉपी पेस्ट का वर्क करके किस तरह से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको फाइवर का एक शॉर्ट स्किल बताने वाला हूँ। काम को जिस तरह से होगा, क्लाइंट आपको पिक्चर सेंड करेगा, क्लाइंट आपको कहेगा कि भी इन पिक्चर्स को आप रिसाइज करके दें और क्रॉप करके दें। बस इतना सा काम है। ये काम आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं, अगर आप ये काम अपने लैपटॉप पर करना चाहें तो लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। तो मैं आगे जाकर आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो आपने ऐसा करना, अगर आपने अपने मोबाइल में फाइवर की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की तो आप जल्दी से फाइवर की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। तो मैंने ऑलरेडी फाइवर की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हुई है। इंस्टॉल करने के बाद मैंने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है जो मैंने फाइवर पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। मैं आपको अपनी अर्निंग भी दिखा देता हूं। तो जस्ट हम आप फाइवर के एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ओपन कर लें तो सबसे पहले आपने यहां पर एक बात का खास ख्याल रखना है। यहां पर आपने चेक करना है क्या यहाँ पे सेलर मोड इनेबल है या डिसेबल है। ठीक है भाई, तो जैसा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरी जो प्रोफाइल शो हो रही है, इस पे जो सेलर मोड है वो डिसेबल है। तो इससे ये होता है कि अगर ये डिसेबल होगा तो आपको फाइवर से आर्डर नहीं मिलेंगे। तो आपने इसको सबसे पहले इनेबल रखना है। सेलर मोड को इनेबल रखने से आपका जो मतलब है गिग्स होती हैं वो सेलर मोड में चली जाती हैं, इससे क्लाइंट आपको आर्डर सेंड कर सकता है। अगर आपने इसको ऑफ किया होगा तो क्लाइंट आपको आर्डर नहीं सेंड कर सकेगा, आपकी जो प्रोफाइल होती है वो बायर मोड में चेंज होती है। तो आपने इसको इनेबल रखना है। जैसा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं, टॉप पे मेरी अर्निंग भी शो हो रही है। मुझे यहाँ से कॉपी पेस्ट और डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, तो मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी दिखाता रहता हूँ। मैंने इन पे स्पेशल वीडियो बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरी अर्निंग शो हो रही है वो अभी 700 रुपीज़ अर्निंग शो हो रही है। रिसेंटली मैंने और भी 2-3 प्रोजेक्ट रिसीव किए थे, मैंने वो अर्निंग अपने बैंक के अकाउंट में विदड्रा करवा ली थी। ठीक है भाई, इसके बाद हम दोबारा अर्निंग पे प्रेस करते हैं। ये देख सकते हैं, ये टॉप पे $4 अर्निंग शो हो रही है। तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि भी आप फाइवर पे कैश विदड्रा करने का तरीका भी बता दिया करें। तो मैंने इस पर एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जल्दी से वो वीडियो देख लें। आपको आई बटन पर भी शो रहा होगा, आप आई बटन पर प्रेस करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम अपने मेन काम की तरफ चलते हैं। तो मैं दोबारा होम पे आ जाता हूँ। ठीक है भाई, मैं फाइवर के होम पे आ गया। तो काम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसी काम को सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इमेज क्रॉप और रिसाइज की सर्विसेज दिखा देता हूँ, जो जो लोग यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये काम आपने मोबाइल से या आपने अपने कंप्यूटर से किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली सर्विस की बात कर लेते हैं। ये लिखा है परफेक्ट रिसाइज एंड क्रॉप 150 पिक्चर्स ओनली एंड 24 आवर। ये बंदा कहता है कि भी मैं 150 पिक्चर को क्रॉप और रिसाइज करके दे सकता हूँ 24 आवर में। इस बंदे को 141 ऑर्डर मिले हुए हैं और इसकी 5-स्टार रेटिंग है, और ये बंदा एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के 850 रुपीज़ लेता है। तो हम इस गिग को ओपन कर लेते हैं। इस गिग को मैंने ओपन कर
लिया। तो अगर हम इसकी बेसिक प्लान की बात करें तो ये बेसिक प्लान में 150 फोटो को क्रॉप और रिसाइज करके देता है और इसकी जो प्राइस है $5। अगर हम स्टैंडर्ड रेट की बात करें तो स्टैंडर्ड रेट में ये बंदा $15 लेता है और 200 पिक्चर को क्रॉप करके देता है। अगर हम प्रीमियम रेट की बात करें तो प्रीमियम रेट में ये बंदा 300 पिक्चर को क्रॉप और रिसाइज करके देता है और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के $20 लेता है। ठीक है भाई, तो इस तरह आप भी ये काम करके फाइवर से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम सेकंड वाले गिग की बात करें तो सेकंड वाले गिग को 157 ऑर्डर मिले हुए हैं और इसकी 5-स्टार रेटिंग है और ये बंदा भी इमेज को क्रॉप और रिसाइज करके देता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये बंदा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के 850 रुपये लेता है। ठीक है भाई, यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज हो रही हैं ये सारी इमेज क्रॉप और रिसाइज से रिलेटेड हैं। ये बहुत ही ईजी सा स्केल है, अगर आप ये स्केल सीख लेते हैं तो आप फाइवर से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि मैं भी फाइवर पर सिंपल कापी पे और डाटा एंट्री का वर्क करके अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी ये क्रॉप और रिसाइज की गिग क्रिएट कर लूँ। अगर आपको गिग क्रिएट करने नहीं आती तो गिग पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप फाइवर पे गिग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। कैश विड्रा की भी मैंने गिग बनाई हुई है, अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको फाइवर का नॉलेज नहीं है तो आप मेरी पहले वो पिछली वीडियो देख लेंगे, पिछली वीडियो देखने के बाद आप फाइवर से अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये सारे लोग इमेज को क्रॉप और रिसाइज करके देते हैं। अब हम करते हैं आपने ये काम अपने मोबाइल पे किस तरह से करना है, किसी भी पिक्चर को क्रॉप और रिसाइज किस तरह से करना है। तो ये काम करने के लिए आपने बैक जाना है, बैक आने के बाद आपने अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है पिक्सआर्ट। ठीक है भाई, पिक्सआर्ट की एप्लीकेशन है, ये फोटो एडिटिंग की एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन कर लेंगे। तो ये एप्लीकेशन मैंने अपने मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई थी तो मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे प्रेस करना है, ये नीचे प्लस वाला आइकन शो हो रहा है, आपने प्लस वाला आइकन पे एक बार प्रेस करना है। प्लस वाले आइकन पे प्रेस करेंगे तो आपके मोबाइल की गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये मोबाइल की गैलरी है। तो मैं आपको क्लाइंट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही समझाऊंगा क्लाइंट किस तरह का प्रोजेक्ट देता है। तो ये मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई थी, इस पिक्चर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो क्लाइंट आपको इस तरह की पिक्चर सेंड कर देगा, क्लाइंट आपको कहेगा कि भाई ये जो पिक्चर हैं इस पर जो ये आइकन शो हो रहे हैं, एक पे मोबाइल बना हुआ है, एक पे चार्जर बना हुआ है, एक पे अडाप्टर बना हुआ है, ये सारे लोगो मुझे सेपरेट करके दें। ठीक है, इस तरह का काम आपको मिलेगा। तो आपने क्रॉपिंग टूल का यूज़ करना है। तो ये लोगो सारे सेपरेट करने के लिए आपने यहाँ पे प्रेस करना है, ये लिखा है टूल्स। ठीक है भाई, आपने टूल्स पे एक बार प्रेस करना है। टूल पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है क्रॉप, आपने क्रॉप वाले लोगो पे एक बार प्रेस करना है। क्रॉप पे प्रेस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, आपने फर्स्ट वाली इमेज को सेपरेट करना है। तो आपने फर्स्ट वाले लोगो को सेपरेट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं मैंने फर्स्ट वाले लोगो को सेपरेट कर लिया। ठीक है भाई, इसके बाद आपने टॉप राइट करना, यस वाले आइकन पे प्रेस करना है। ये देख सकते हैं एक इमेज हमने सेपरेट कर लिया है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे प्रेस करना है, ये सेव का आइकन शो हो रहा है, आपने सेव वाले आइकन पे प्रेस करना है। सेव वाले आइकन पे प्रेस करेंगे तो ये इमेज आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। इसके बाद आपने इस वाले आइकन पर एक बार प्रेस करना है। ठीक है भाई, इस वाले आइकन पे प्रेस करेंगे तो आप दोबारा उसी इमेज पे आ जाएंगे। इसके बाद हम दूसरी इमेज को क्रॉप करने लगे हैं। तो वही सेम तरीका है, आपने वही क्रॉपिंग टूल का यूज़ करना है और दूसरी इमेज को भी आपने क्रॉप कर लेना है। इस तरह आपने सेकंड वाले लोगो को सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड वाले लोगो को जब सेलेक्ट करेंगे तो ये शो हो जाएगा। इसके बाद आपने येस पे प्रेस करना है और सेव पे प्रेस करना है। ठीक है भाई, सेव पे प्रेस करने के बाद आप दोबारा यहाँ से बैक आ जाएंगे, अनडू आ जाएंगे। इस तरह आपने ये सारी पिक्चर क्रॉप कर लेनी है। ये जितने भी यहाँ पे ये लोगोज आइकन शो हो रहे हैं आपने सबको सेपरेट कर लेना है। ठीक है भाई, इस तरह के आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो मैं आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही सारा कुछ समझाता हूँ। तो ये था क्रॉपिंग टूल का तरीका, आपने इमेज को क्रॉप किस तरह से करना है। अब हम बात कर रहे हैं आपने इमेज को रिसाइज किस तरह से करना है। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। ठीक है भाई, बैक आने के बाद मैं दूसरी इमेज यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ये इमेज है। तो अब हम इस इमेज को रिसाइज करने लगे हैं। ठीक है भाई, क्लाइंट आपको इस तरह की पिक्चर भी सेंड कर सकता है, कोई और पिक्चर भी सेंड कर सकता है। क्लाइंट आपको साइज़ बता देगा, आपने क्लाइंट के साइज़ के मुताबिक पिक्चर को रिसाइज करना है। तो पिक्चर को रिसाइज करने के लिए आपने यहाँ पर प्रेस करना है, ये लिखा हुआ है टूल्स। ठीक है भाई, टूल्स पर आपने प्रेस करना है। इसके बाद आपने सेकेंड लास्ट वाले आइकन पर प्रेस करना है, ये लिखा हुआ है रिसाइज, आपने यहाँ पर प्रेस करना है। यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ है रिसाइज इमेज। तो यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट इमेज का साइज़ है वो है 1000x780। तो यहाँ से हम इमेज का साइज़ चेंज कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से मैं रख देता हूँ 1200। ठीक है भाई,
मैंने इमेज का साइज़ 12x936 रख दिया। इसके बाद आपने दोबारा यहाँ पे रीसाइज़ पे प्रेस करना है। रीसाइज़ पे प्रेस करेंगे तो आपकी जो इमेज होगी उसका जो साइज़ होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी इमेज को रीसाइज़ कर सकते हैं और क्लाइंट के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी गिग थी, ये सिंपल सी सर्विस थी। आप इस सर्विस के थ्रू अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इस सर्विस की फाइवर पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप ये गिग क्रिएट कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्द फाइवर से ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड हम दोबारा उसी फाइवर की वेबसाइट पर आते हैं। तो मैं दोबारा फाइवर की वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे ये जितनी भी गिग्स शो रही हैं, जितनी भी ये सर्विसेज शो रही हैं, ये सारी इमेज क्रॉप और रीसाइज से रिलेटेड हैं। तो मैंने आपको ये सारा तरीका बता दिया आपने इमेज को रीसाइज और क्रॉप किस तरह से करना है। और जैसा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरी अर्निंग यहाँ पर शो रही है। मैं भी इस तरह के सिंपल से काम करता रहता हूँ, मुझे ऑर्डर भी मिल रहे हैं और मैं भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। आप भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड मेरा काम है आपको बताना, आपको गाइडलाइंस करना। अगर आप यहाँ से मेहनत से काम करेंगे तो आपको यहाँ से बहुत जल्द ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी और अन्य की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया फ्रेंड्स।